सो आज का टॉपिक हमारा होगा प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। स्पेशली सक्सेशन को कुछ प्रोसेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है बेटा आपका न्यूरेशन, माइग्रेशन, मिटोसिस, एग्रीगेशन। ठीक है, न्यूरेशन, माइग्रेशन, मिटोसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड लास्ट क्लाइमेक्स या स्टेबिलाइजेशन। तो ये स्पेशली कुछ स्टेप्स हैं, न्यूरेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड क्लाइमेक्स। अब जरा सा समझिएगा, स्पेशली सपोज दैट किसी भी न्यूड या बैरन एरिया में अगर सबसे पहली बार माइग्रेंस आता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से आएगा जरा इसको समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है न्यूरेशन। न्यूरेशन का सिंपल मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बैरन या न्यूड एरिया और बायोलॉजिकली स्टेराइल एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर जीवन कभी नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया था कि आप नेपाल के किसी पहाड़ियों के पास गए, बढ़िया सा सेल्फी लिए, लेकिन वो पहाड़ी पूरी तरह से कैसा था, पठारी था, एकदम सूखा था, उस पर एक भी घास का टुकड़ा भी नहीं। तो ऐसे एरिए को क्या बोल सकते हो आप, स्पेशली न्यूड एरिया कह सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि न्यूडेशन आएगा कैसे, बनेगा कैसे। तो न्यूडेशन के होने के कुछ टोपोग्राफिक फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ठीक है ना, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। न्यूडेशन के होने के कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, इसके अलावा क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जैसे फ्रॉस्ट है, ग्लेशिएशन है, ठीक है ना। तो न्यूडेशन का सिंपल मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूड एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी ना हो, जीवन से रिलेटेड कुछ भी ना हो, जिसको हम बायोलॉजिकली स्टेराइल एरिया कहते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, न्यूडेशन के जस्ट बाद है आपका माइग्रेशन। अब उस न्यूड एरिया में मान लो वो पहाड़ी एरिया था जहाँ पर एकदम बैरन एरिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहली बार जो है इन्वेजन होगा, किसका, स्पोर्स का, प्रोपेगुल्स का, या किसी अलग टाइप के सीड्स का, हवा के माध्यम से या किसी जीव जंतु के माध्यम से, ठीक है ना। उस बेयर या पहाड़ी एरिया में, मान लो ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहली बार इन्वेजन होगा स्पोर्स का, प्रोपेगुल्स का, या स्पेशली सीड्स, वो कहीं से दूसरे माध्यम से आएंगे। इसके बाद इकेसिस, इकेसिस का एक तरफ से सिंपल मतलब होता है स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर अब वो जो सीड्स स्पोर्स आएंगे, अब यहाँ पर आ करके, चूंकि लाइकेन की बात कर रहे हैं पायनियर स्पीसीज, तो लाइकेन आ करके, लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं, एक एल्गल पार्टनर होता है, एक फंगल पार्टनर। तो फंगल पार्टनर क्या करेगा, इस पथरीली जमीन को अच्छे से पकड़ लेगा, और एल्गल पार्टनर क्या है, उसके खिलाफ अपना, उसके साथ साथ जो है फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इकेसिस होगा, मतलब जो भी स्पोर्स आए हैं लाइकेन्स के, जो कुछ भी, ठीक है ना, अब यहाँ पर वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, अगर वो अच्छे से स्टेबलाइज कर लेंगे, ठीक है, तो अगले स्टेज में क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, यानी वो बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने नंबर को क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। और सिंपल सी बात है, जब वो अपने नंबर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एक लिमिटेड एरिया के लिए, एक लिमिटेड स्पेस के लिए वो क्या है, आपस में कॉम्पटिशन करेंगे, धुक्का मुक्का करेंगे, मारामारी करेंगे, ठीक है ना, एग्रीगेशन। उसके बाद कॉम्पटिशन, कॉम्पटिशन के बाद रिएक्शन। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंपटीशन जो दो तरीके का हो सकता है, लाइकेन्स का, लाइकेन्स से कंपटीशन हो सकता है, और लाइकेन्स का मॉस से भी कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि मॉस के लिए भी इस लाइकेन ने पतला सा मिट्टी का, एक पार्शियल अल्ट्रा थिन मिट्टी के लेयर का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है ना। तो अब लाइकेन का लाइकेन्स से भी एक कंपटीशन होगा, और फिर लाइकेन का मॉस से भी एक कंपटीशन होगा। और सिंपल सी बात है, लाइकेन ने अपना बलिदान दिया है, मतलब लाइकेन आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे, मरेंगे, डेथ दिखे होगा उनका, ठीक है, तो मिट्टी की एक पतली सी लेयर बना देंगे। अच्छा, उस मिट्टी की पतली सी लेयर बना देने के कारण अब मॉस जो होगा सेकेंड स्टेज आपका, ठीक है ना, इसके लिए एक बढ़िया जगह मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब वो क्या करेगा रिएक्शन में कि मॉस यहाँ पर डोमिनेंट स्पीसीज की तरह उभर के आएगा, ठीक है, और धीरे धीरे लाइगेंस को ये रिप्लेस कर देगा और लास्ट में आपका क्लाइमेक्स या स्टेबलाइजेशन है, यानी कि अब यहाँ पर स्पेशली मॉस का वर्चस्व होगा। यानी आप सिंपल समझ सकते हो हम पायनियर से स्पेशली अगर हम सीरियल स्टेज फर्स्ट तक पहुँचते हैं तो उसके बीच कितने स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। बात फिर समझ में आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो न्यूरेशन में फॉर्मेशन ऑफ बेयर या न्यूरेरिया, जिसको देखा हम बायोलॉजिकली स्टेराइल एरिया होते हैं जहाँ पर जीवन बिल्कुल भी नहीं, दो कारण से हो सकता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, इसमें टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक दो। टोपोग्राफिक में जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना, ये कारण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ लैंड स्लाइड हो सकता है, लैंड स्लाइड, ठीक है ना। इसमें जो है आपका फ्रॉस्ट, ग्लेशियर, रेन, ठीक है, ये सारे न्यूडेशन के कारण हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका आर्टिफिशियल कॉज भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कॉज में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कारण भी, इसके अलावा एग्रीकल्चर के कारण भी, या फॉरेस्ट कटिंग, किसी जंगल को आपने पूरी तरह से क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो भाई नेचुरल कारण भी हो सकता है और आर्टिफिशियल कारण भी हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा न्यूरेशन, जिसमें बेयर एरियाज का फॉर्मेशन होना है। इसके बाद माइग्रेशन, अब वो जो बेयर एरियाज है वहाँ पर बाहर कहीं से जो है क्या आएंगे, सीड्स, स्पोर्स या प्रोपेगुल्स उस एरिए में आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक तरह का क्या है पॉलिनेशन का, सीड्स उड़ करके या किसी तरीके से आएंगे हवा के माध्यम से। इकेसिस का साधारण मतलब होता है स्टेबिलाइजेशन या स्टेबिलाइजमेंट, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो सीड, स्पोर या प्रोपेगुल्स आए हैं अब वो अपने आप को स्टेबिलाइज करेंगे एक नए एरिया में, ठीक है। स्टेबिलाइज करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के जस्ट बाद, भैया बढ़िया अच्छी सी बात है कि आप जैसे स्टेबलाइज किए अपना घर द्वार बनाने लगेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा अगर किसी नए एरिया में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वहाँ स्टेबलाइज करता है, और जब स्टेबलाइज कर लेगा तो सोचेगा कि अब क्या करें, हम अपने नंबर को इंक्रीज करें। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर अपना इंक्रीज किया जाएगा, और सिंपल सी बात है जैसे ही वो नंबर को इंक्रीज करेंगे क्या है, वो आपस में पास आएंगे, और जब वो आपस में पास आएंगे तो उनके बीच क्या होगा, एक तरह का कंपटीशन आपका दिख सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एग्रीगेशन के जस्ट बाद आपका कंपटीशन होगा ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एट लिमिटेड प्लेस, देयर डेवलप कंपटीशन। अच्छा, ये कंपटीशन दो तरीके का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक माने लाइगेंस के बीच ही कंपटीशन हो सकता है, और इंटर स्पेसिफिक का मतलब स्पेशली लाइगेंस एंड मॉस के बीच हो सकता है। अब जरा समझिए, तो यहाँ पर स्पेशली एग्रीगेशन में क्या होगा कि लाइगेंस ने एक पहाड़ी के लिए भी पतला सा मिट्टी का लेयर बना दिया, क्योंकि वो बार बार उनका इंट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर, कई सालों से वो जिंदगी जी रहे हैं, मर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो मिट्टी की एक पतली लेयर बन रही है, ठीक है। उस पतली लेयर के कारण क्या हो रहा है कि स्पेशली अब मॉस भी वहाँ आना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी मॉस वहाँ पे डेवलप नहीं किए। अब क्या होगा कि एक तरह से कंपटीशन होगा, यानी लाइकेन के बीच भी कंपटीशन चल रहा है और लाइकेन का मॉसेस के बीच भी कंपटीशन चल रहा है। प्रॉब्लम ये आया कि लाइकेन ने अपना बलिदान करके, लाइकेन कई सौ सालों से जो वहाँ पर पड़ा हुआ है उससे उसने अपना बलिदान किया और मिट्टी की एक पतली सी लेयर बना दी। अच्छा, वो मिट्टी की जो पतली सी लेयर बनी है ना, वो लाइकेन की जगह मॉस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए आपने लिखा है कि स्पेशली न्यूली अराइव्ड स्पीशीज इंटरप्ट विद एग्जिस्टिंग स्पीशीज। यहाँ पर जो न्यूली अराइव्ड स्पीशीज है यहाँ पर आप मॉस मान सकते हो। तो मॉस ने क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग जो भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उसको उसके एक्टिविटी में इंटरप्शन डाल रहा है, इसके कारण रिएक्शन हो रहा है, वहां का एनवायरमेंट मॉडिफाई हो जा रहा है, यानी मॉस के लिए वो एनवायरमेंट काफी ज्यादा फेवरेबल हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण कुछ दिनों बाद या बाद में
लाइटर क्या है, लाइटन्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और वहां मॉस का भी क्या है वर्चस्व हो जाएगा, यानी क्लाइमेक्स स्टेज आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्लाइमेक्स स्टेज आपका मॉस बन जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था आपका न्यूडेशन माइग्रेशन गैसेस एग्रीगेशन कॉम्पिटिशन रिएक्शन और क्लाइमेक्स। एक बात मैं आपको और बता दूं, माइग्रेशन गैसेस और एग्रीगेशन इन तीनों को आप इन्वेजन भी कह सकते हो, इन्वेजन MEA यानी माइग्रेशन गैसेस और एग्रीगेशन को आप इन्वेजन भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब हम पायनियर स्पीसीज से ठीक है ना सीरम स्पीसीज या सीरम स्टेज फर्स्ट में पहुंचते हैं तो इनके बीच इतने रिएक्शन होते हैं, यानी लाइकेंस इसी तरह से मॉस में रिप्लेस किए जाएंगे, मॉस जो है फिर स्पेशली अपने आने वाले अगले एनुअल और जो भी पेरिनियल ग्रासेस हैं उनको रिप्लेस करेगा, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है।